अब आपकी तरक्की में, आपकी फितरक्की में 10-15 साल बाद आप मुझे ईमेल करें, टेक्स्ट करें, फेसबुक का उस जमाने में नई वर्जन आ गई होगी, कोई और आ गई होगी, स्पेस बुक हो गई होगी फेसबुक उस जमाने में, हर 5 साल बाद फेसबुक की वो हो जाती है खत्म, एक नई वर्जन आ जाती है, और 15 साल बाद या 10 साल बाद एक होगी स्पेस बुक, जिसमें मरीख से भी मैसेज आ रहे होंगे, मरीख के रेजिडेंट्स के लोकल लैंग्वेज में। तो उस फेसबुक में आप मुझे मैसेज करना लाहौर, कराची, पिशावर में आओ कि हमने तरक्की कर लिया रवैयों पर इन्वेस्टमेंट के बाद, हमने फैसला किया छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, और अना के झगड़ों की बुनियाद, अना को झगड़े की बुनियाद नहीं बनने देंगे। फैज़ अहमद फैज़ एक बड़े मशहूर शेर में कहते हैं कि कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं, कुर्ब ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं। अना के बुत को आज के बाद बूटे को पानी देना बंद कर दें, वो जितना मुरझाएगा आपकी जात में उतनी शादमानी, तरावत और खुशहाली आएगी। आई कैन अश्योर यू, आई कैन अश्योर यू, अश्योर यू एंड अश्योर यू। अना के बुतों को तोड़ दें, जो 307 बुत टूटे थे वो पत्थर के नहीं थे काबे में, उसकी बुनियाद अना थी कि ये मेरा खुदा, ये तेरा खुदा, ये इस कबीले का खुदा, ये इस कबीले का खवाला। तो जो कबीला बड़ा था उसका बुत बड़ा था, उसकी नाम बड़ी थी, वो ज्यादा बंदे मारता था, ज्यादा फितना फसाद फैलता था। 307 बुत तोड़ना महज उसकी सिंपल ये नहीं था कि पत्थर के हजूम में कुछ हजूम कम कर दिया गया, अना के बुतों की मौत थी 360 बुतों के जरिए, अना के बुतों की मौत थी। बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या। तो अना के बुतों से उम्मीदें ना लगाएं, अना के बुत की फतह आपकी शख्सियत की शिकस्त रिख्त है, आपकी शख्सियत टूटना शुरू हो जाती है जब अना का बुत बड़ा होता है। इस बात को पल्ले बांध लें, और 10 साल बाद फेसबुक की जो नई केवलेंस आएगी फेसबुक, उसमें आप मैसेज भेज दीजिएगा कि मैंने अना के बुत को तोड़ दिया था। तो मेरे पीछे खातून भागती आ रही थी जिसका नाम था शादमानी, दूसरी खातून का नाम था कामरानी, और तीसरी का नाम था फतेहमंदी, रहमत और बरकत। आप आसमान पे देख रहे हैं, आप आसमान पे देख रहे हैं, एक चादर तानी गई है, ये चादर कहां से आ गई? वो चादर के पीछे जो चार बंदे बैठे हुए हैं, एक का नाम बरकत है, एक का नाम रहमत है। रहमत और बरकत चादरें तान देती है आपके सिर पे आके, जब बना की बुत को आप तोड़ देते हैं। और अना की बुत को तोड़ने वालों लोगों के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता दूं। पहला करेक्टरिस्टिक्स उनका है, उनकी खसूसियत, उनके खसायल, उनके फजाइल, वो है दे टॉक पॉजिटिव, दे क्रिएट होप। दे टॉक पॉजिटिव एंड दे क्रिएट होप, ये दो खसायल मेन है। एंड दे थिंक गुड अबाउट अदर पीपल, हर का भला। ये तीन खवास उन लोगों के पास हैं जो ना के बुत को तोड़ देते हैं।